क्या बिहार के 34 सीटें जीत पाएंगे नीतीश व लालू, किया दावा। इस बार नहीं खुलेगा खाता, एनडीए पर साधा निशाना। बिहार सरकार की कमान अभी फिलहाल नीतीश कुमार के हाथ में है, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वहीं उनके नीचे वाली कुर्सी पर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। इसलिए बिहार में जदयू और राजद की जोड़ी जबरदस्त चल रही है। जदयू और राजद बिहार में विकास को लेकर गंभीर है और आगामी लोकसभा को लेकर 17-17 सीटें भी आपस में बांट ली हैं, जैसा कि चर्चा है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में जेडीयू और राजद दोनों मिलकर बिहार के 34 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या बिहार के 34 लोकसभाओं के सीटों पर जदयू और राजद अपना परचम लहरा पाएंगे, यह आने वाला चुनाव ही तय करेगा। उधर मोदी सरकार पर जदयू और राजद ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि इस बार एनडीए का बिहार में खाता नहीं खुलेगा। एनडीए में शामिल भारत सरकार के मंत्री रहे रामविलास पासवान के पुत्र सांसद चिराग पासवान भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जदयू एनडीए में शामिल थी, ऐसे में 40 में 39 सीटों पर जीत हासिल की, सिर्फ एक सीट ही विपक्षी दल की झोली में रहा। उधर बिहार के भाजपा नेताओं की माने तो उनका दावा है कि इस बार के चुनाव में मोदी लहर के आगे जदयू और राजद हवा में चली जाएगी। आगे भी जुड़े रहें, देखते रहें बलिया आजकल। बलिया से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।